नमस्कार बच्चों, आप लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो और कुछ चीज़ें हैं बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू एंड फ्रॉम व्हाट टू डू, किस तरीके से करें, हम किस तरीके से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करें, मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, कौन सा किताब नहीं पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल क्या रखना चाहिए और कौन सा ऑप्शनल ऐसा है सो कम भी मेहनत करना पड़े और ज़्यादा स्कोरिंग भी हो, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को डिटेल में बताता रहूँगा। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ स्ट्रेटेजी को लेके कि आप स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे। देखो, सबसे पहला चीज़ है स्ट्रेटेजी बनाने का कि आप एक परफेक्ट और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बनाइए। जैसे कि ऐसा नहीं, ऐसे स्ट्रेटेजी मत बनाइए कि एक दिन में आप लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत को फिनिश कर दोगे, एक दिन में आप मॉडर्न हिस्ट्री को फिनिश कर दोगे, एक दिन में आप आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट हिस्ट्री को फिनिश कर दोगे। दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी। अगर आपको देखिए, आप जैसे कि मतलब एक महीने का टारगेट बनाइए, उसको जो है वीकली के हिसाब से डिवाइड करिए और उसको पर डे के हिसाब से डिवाइड करके उसको टारगेट को हर एक दिन टारगेट को अचीव करने के बारे में सोचिए। और ध्यान रखिएगा, तब तक मत सोइए जब तक आप अपने पर डे टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हो। आपने ये कर दिया ना, चार महीना कर दिया ना ये चीज़ें, आप देखना खुद ब खुद जो है आप बहुत सारी चीज़ें जो है कवर कर लोगे। उसके साथ साथ मैं हमेशा एक वर्ड बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक स्ट्रेटेजी क्यों होना चाहिए। देखो, इम्प्रैक्टिकल टारगेट बनाते हैं, मान के चलिए कि 16 घंटा 18 घंटा 20 घंटा आप एक दिन तो कर भी लोगे, लेकिन आप उसको कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी नहीं बना सकते। तो इसलिए आपको एक फ्लो में एक कंसिस्टेंसी, देखो यूपीएससी जर्नी जो है बेटा एक दिन का दो दिन का नहीं है, या आपके टेंथ या फिर प्लस टू का एग्ज़ाम नहीं है, आपको थ्रू आउट द ईयर जो है कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल टारगेट बनाओगे, उसको आप अचीव करोगे, दूसरे दिन फिर से बनाना, फिर से उसको अचीव करना, देखना आपका रिजल्ट जो है बेहतर से बेहतर आएगा। और एक चीज़ मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूँ कि आपके पास हमेशा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमेशा होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने से कम 20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। वो होने से क्या होता है कि टॉप, जैसे ही आप टॉपिक कवर करते हो, फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे कि हिस्ट्री में टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, गुप्त, तो अगर मान के चलिए आपने बुद्धिज्म टॉपिक को पढ़ा है, उसके बाद उसी टॉपिक का आप जो है प्रीलिम्स का सेट एग्जामिनेशन दीजिए और उसी टॉपिक में से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करिए। आपने मान लीजिए कि गुप्त पीरियड या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, उसी टॉपिक का आप जो है टेस्ट दीजिए और उसी टॉपिक का ही आप जो है मेंस राइटिंग करिए। मतलब कहने का मतलब है, एक बार टॉपिक फिनिश करने के बाद उसका जो है एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए आपके द्वारा, और आंसर राइटिंग कम से कम एक सब्जेक्ट से दो तीन आंसर राइटिंग होना चाहिए, तब जाके एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी तैयारी चल रहा है यूपीएससी के लिए एक साल में, तो 70% शुड बी फोकस्ड ऑन द मेन। प्रीलिम जो है बेटा आपका केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर है, नॉन सीरियस स्टूडेंट को हटाने के लिए है। इसलिए आपका जो स्पेसिफिक आपका जो टारगेट होना चाहिए वो जो है मेंस बेसिस होना चाहिए। पॉज। और एक कंफ्यूजन मैंने देखा है कि नोट्स को लेके बच्चे थोड़ा सा जो है लेजी हैं, वो सोचते हैं अरे नोट क्यों बनाएंगे, हम बुक्स का अंडरलाइन कर लेते हैं, पीडीएफ हमें मिल जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन जो पीडीएफ या बुक का जो अंडरलाइन करोगे, ध्यान रखिएगा, नोट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको जो है टॉप रैंक में रहना है, टॉप 50, टॉप 20, टॉप 10, तो आपको नोट्स बनाना जरूरी है। नोट्स इज एवरीथिंग, क्योंकि नोट्स आप बनाओगे दो तीन किताब को पढ़ने के बाद, जो नोट्स बनाओगे उसको ही बाद में आपको रिवीजन करना है। देखो, नोट्स का खासियत क्या है, वो बार बार रिवीजन हो सकता है। किताब में जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में फिट नहीं बैठ सकता, बट नोट्स जो है आपके दिमाग में फिट बैठ सकता है। और जब भी प्रीलिम्स या मेंस, खासकर जो मेंस का आंसर राइटिंग लिखोगे, तो आपके नोट्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, नोट इज मस्ट। हर एक टॉपिक का नोट्स बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट पांच चीजों का आप नोट बना सकते हो। एक है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का मैगजीन से लेकर आप नोट बनाइए।
पेपर को पढ़ के नोट बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 365 दिन, लेकिन मैगजीन से आप करंट का भी कुछ नोट बना सकते हो। और जो भी नोट बनाते हैं, जैसे कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसको प्रेजेंट जो करंट अफेयर्स है उसका भी इंटरलिंक कर लीजिएगा। उस टाइम के आपको प्रेजेंट का डाटा नहीं मिल रहा तो उसके लिए ब्लैंक पेपर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो पॉइंट देखोगे उसको नोट कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।